नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक संस्कृत से प्रथम पाठ अकारांत पुल्लिंग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में अकारांत शब्दों के बारे में कहा गया है कि जिस शब्द में अंत में अ आता है वे अकारांत शब्द कहलाते हैं। इस पाठ में कहा गया है जो चीज़ हमारे नज़दीक होती है उसको हम ऐश्वर्य के नाम से जानते हैं और जो चीज़ दूर होती है उसको सौ के नाम से बोला जाता है, अर्थात उसमें स का प्रयोग होता है। ऐश क ऐश चस्क किम ऐश व्रत न ऐश लघु, यह क्या है, यह गिलास है, क्या यह बहुत बड़ा है, नहीं यह छोटा है। आप अपने दाहिनी तरफ चित्र में देख सकते हैं कि यह गिलास का चित्र इसके नज़दीक बना हुआ है, इसलिए इसमें ऐश का प्रयोग किया गया है। श क शौचिक किम करोति, किम स खेलति न स वस्त्र शिव्यति, वह कौन है, वह दर्जी है, दर्जी क्या कर रहा है, क्या वह खेल रहा है, नहीं वह वस्त्र सी रहा है, कपड़े सिल रहा है। आप अपनी दाहिनी तरफ चित्र में दर्जी का चित्र देख सकते हैं। दर्जी का चित्र बना हुआ है तो उसके लिए सह का प्रयोग किया गया है, सामिन्स वह, वह दूर के लिए आता है या वह का प्रयोग हम दूर के लिए करते हैं। ऐतो को ऐतो सुन को स्त किम ऐतो गर्जत न ऐतो उच्चे बुक्कत, वेदो कौन है, वेदो कुत्ते हैं, क्या ये गर्ज रहे हैं, नहीं ये ऊंची आवाज में भौंक रहे हैं। आपके दाहिनी तरफ चित्र में दो कुत्ते बने हैं तो ऐतो का प्रयोग दो के लिए किया जाता है। तो को तो बलिवर्दो स्त किम तो धावता न तो क्षेत्र कर्षत, वेदो कौन है, वेदो बैल हैं, क्या वे दौड़ रहे हैं, नहीं वे कृषि कर रहे हैं, मतलब खेत जोत रहे हैं। ऐते के ऐते स्यूता संति किम ऐते हरित वर्णा नहीं ऐते नील वर्णा संति, ये सब क्या हैं, ये सब बैग हैं माने थैले हैं, क्या ये हरे रंग के हैं, नहीं ये सब नीले रंग के हैं। आप अपनी दाहिनी तरफ चित्र में देख सकते हैं बहुत सारे थैले हैं तो बहुत सारों के लिए क्या आता है, ऐते, ऐते का प्रयोग किया जाता है। ते के ते वृद्धा संति किम ते गायंती नहीं ते हसंती, वे सब कौन है, वे बूढ़े हैं, क्या वे गा रहे हैं, नहीं वे सब हंस रहे हैं। धन्यवाद।